मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कैफे कलीबा पर पुलिस का छापा, गड्ढों को लेकर किया आंदोलन। 17 जुलाई को होंगी JEE मेन की परीक्षा। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। कैफे कबीला पर पुलिस का छापा। DCP जोन 2 के विनीता शाहू दस्ते ने सदर बाजार परिसर में स्थित कैफे कबीला रेस्टोरेंट लॉन्च पर छापा मारा। यहां नाबालिग सहित कुछ युवा हुक्के का सेवन करते मिले। पुलिस ने कैफे के मालिक न्यू कॉलोनी मंगलवारी निवासी परवेज बबलू खान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कबीला में कैफे की आड़ में हुक्का पिलाया जा रहा है। पुलिस की कार्रवाई से परिसर में खलबली मच गई। एक नाबालिग अपने साथियों के साथ हुक्के का मजा ले रहा था। पुलिस ने कैफे मालिक परवेज सहित 7 लोगों को हिरासत में लिया। उनके खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज किया गया है। तो वही दूसरी ओर गड्ढों को लेकर किया आंदोलन। टीपू सुल्तान सेना और MIM उत्तर नागपुर की ओर से गड्ढों को लेकर आंदोलन किया गया। पिछले वर्षों से मोहम्मद रफीक चौक से टीपू सुल्तान चौक होते हुए वंदेवी चौक तक सड़क खस्ताहाल हो गई है। गड्ढों की वजह से वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ गई है। अब तक कई लोग दुर्घटना का शिकार भी हो चुके हैं। इसके बावजूद प्रशासन व जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। टीपू सुल्तान चौक की सड़क की हालत भी बदतर हो गई है। यह क्षेत्र पालक मंत्री के विधानसभा में आता है। सेना की ओर से जल्द गड्ढे पाटने और परिसर में सड़कों का सीमेंटीकरण करने की मांग की गई है। तो वही दूसरी ओर 17 जुलाई को होंगी JEE मेन की परीक्षा। JEE मेन की तैयारी कर रहे सिटी के विद्यार्थी का इंतजार अब खत्म हो चुका है। अब 17 जुलाई को JEE मेन की परीक्षा होंगी। छात्रों ने तारीख तय होते ही अपनी तैयारियां तेज कर दी है। सिटी के छात्रों को कई दिनों से इसका इंतजार था। कोरोना की वजह से JEE मेन को बार बार स्थगित करना पड़ रहा था, जिससे छात्रों पर अतिरिक्त बोझ बढ़ गया था। लेकिन बुधवार को ATA ने इस परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया। इसके मुताबिक यह परीक्षा 17 जुलाई को आयोजित होंगी। खास बात यह है कि JEE मेन का रिजल्ट 14 अगस्त तक घोषित कर दिया जाएगा। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।